उत्तर प्रदेश प्रयागराज मांडा थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत गेरुआ डीह ग्राम धरी में जयप्रकाश यादव व ओम प्रकाश और मेवालाल से जानकारी प्राप्त हुई कि हम किसान लोग लगभग 50 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं। सिंचाई के लिए नहर की सुविधा न होने के कारण हम किसान लोग कोई फसल उपजा नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह व कोराव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजमणि कोल और एक साल पहले लगभग मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करके अवगत कराया गया, लेकिन आज तक हमारे यहां सिंचाई के लिए नहर व पानी की व्यवस्था नहीं की गई। इस वजह से हम किसान लोग अच्छी फसल नहीं उपजा पा रहे हैं, जिससे जमींदार होते हुए भी मजदूरी करने पर मजबूरी और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम किसान लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर रानी बारी राजबाहा से माइनर की व्यवस्था हो जाए तो हमारे धरी गांव की जमीन सिंचित हो जाएगी और हम किसान अच्छी फसल उगा सकेंगे। और वहां उपस्थित हरीश चंद्र मौर्य, तुलसी राम चमार, राजकुमार फूलचंद यादव, पन्नालाल सरोज और अन्य बहुत किसान उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। परिचय डॉक्टर जेपी यादव। डॉक्टर जेपी यादव, AMRD कॉन्वेंट स्कूल पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है आप लोगों को? हमारे यहाँ बैठक चल रही है। किस प्रकार बैठक? सिंचाई के लेकर, नहर के लिए। मतलब नहर के लिए आप लोग बैठक में क्या जो है? हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन एकदम क्या कहते हैं फसल सब सूख जा रही है और यहाँ से 400 मीटर दूरी रानी बारी रजबाहा अगर एक माइनर मिल जाए तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। हमारे किसान सब देख लिए, सब बेहाल हैं और सारी फसल सूख जा रही है। फसलें सूख जा रही हैं। अच्छा, ये बस्ती कितने दिनों से बसी है? कम से कम 50 साल हो गया होगा। 50 साल से ये बस्ती है, आज तक जो है कि यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं हुई। इस वजह से ये कौन सा गांव है सर? ये धरी है, ग्राम पंचायत गेरुआडी और ब्लॉक मांडा और तहसील कोराव और जिला प्रयागराज। मानिए जमीन तो काफी किसानों के पास है, कई हजार बीघा है, लेकिन यहाँ पानी न होने की वजह से सब लोग जो है कि बगैर फसल पैदा किए रह जा रहे हैं। मतलब क्या है कि वही अपने परिवार को जिलाने खिलाने में परेशान है। जी जी, तो इस बात को लेकर क्या आप किसी सक्षम अधिकारी उच्च अधिकारी? जी जी, मैंने अध्यक्ष जिला पंचायत को दिया हूँ, मैंने विधायक को दिया है, मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत किया हूँ और लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, किस जिला पंचायत को दिए थे? अध्यक्ष रेखा सिंह, जिला पंचायत प्रयागराज। और विधायक? विधायक राजमणि कोल, विधानसभा कोराव। अच्छा, इन सबको दिए आप लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई दिए आप? करीब 2 बार अध्यक्ष जिला पंचायत को दिए हैं, 2 बार विधायक को दिए हैं और मुख्यमंत्री के पोर्टल पे 3 बार शिकायत किए हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पानी की समस्या है किस जिले में है? ये प्रयागराज में है और थोड़ा मिर्जापुर है, 96 ब्लॉक, मतलब एकदम से बॉर्डर पर। हाँ, एकदम बॉर्डर पे। और ये जो आप नहर बता रहे हैं राजबाहा है? रानीबारी राजबाहा, यहाँ से 400 मीटर दूरी है। तो ये मिर्जापुर जिले में? ये मिर्जापुर जिले में, उसमें से यहाँ आना चाहिए। तब इसका मतलब कि मिर्जापुर जिले में भी बॉर्डर तक पानी नहीं आता। बॉर्डर तो यही है। तो आपको आश्वासन में क्या दिए विधायक जी? हमारी सुनवाई नहीं रहे, ले रहे, बस दे रहे हैं, यहाँ बनवा दे रहे हैं, नपवा रहे हैं, बस करवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कुछ हुआ? कुछ नहीं, कोई सुविधा मिल नहीं, कोई सुविधा। और कोई समस्या है? अब यही सब समस्या है, अगर पानी आ जाए तो हमारे किसान सब खुशहाल हो जाएंगे और सब परेशान है, पूरी फसल सूख जा रही है। जी, बगल में मैं OP यादव। OP यादव, ये भैया बता रहे हैं कि 50 सालों से यहाँ पानी की सुविधा ऐसी नहीं है, फसल सभी सूख जा रही है, सब लोग गरीबी के मार में आ जा रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए फसल पैदा नहीं हो रही, क्या सही बात है? जी बिल्कुल, जैसे अभी भाई साहब हमको बताए हैं, आप सबसे अवगत कराए हुए हैं कि यहाँ आज 50 साल से लोग बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी जितनी सरकारें यहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया। पानी की यहाँ इतनी बड़ी समस्या है कि पीने के लिए तरह तरह हो जाती है, आदमी तो आदमी भी समस्या है और पीने की भी काफी समस्या है यहाँ पर। बाबूजी हजारों मेवालाल, ये भैया बता रहे हैं कि 50 साल से आप लोग यहाँ बसे हैं, पानी की सुविधा आपको नहीं है, कई बार कई नेता मंत्रियों से अधिकारियों से मांग किया गया लेकिन आज तक दिया नहीं गया, नहीं। सही बात है? हाँ, सही बात है सर। पूछो भैया, जोर से पूछ रहे। हाँ, इसे भैया ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 50 साल से लोग बसी बस्ती है, यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं हुई और कई बार नेता मंत्रियों को ऐसा अवगत कराया गया और कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिला, क्या सही बात है? अरे पानी आप लोगों को मिलना चाहिए, ये आप जो है कि चाह रहे हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ के खाने पीने के लिए बने अपने बीवी बच्चे परिवार को हम पाल सकते हैं।